पॉलीफेज इंडक्शन मोटर। देखो पॉलीफेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। इंडक्शन मोटर जो होती है वो एक सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। सिंगली एक्साइटेड मशीन का मतलब क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग जो होती है हम उसको एक सिंगल एसी सोर्स से पावर सप्लाई करते हैं। जैसे सिंपली लास्ट टाइम सिंक्रोनस मोटर पढ़ा था, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर सप्लाई से अलग रोटर पे भी एक डीसी सप्लाई देनी होती थी, इसलिए सिंक्रोनस मोटर एक डबल ही एक्साइटेड मोटर था। लेकिन पॉलीफेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो कैसी होती है, वो एक सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। ओके, वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, जिसको हम ट्रांसफार्मर एक्शन भी जनरली बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्टेटर में फ्लक्स बनता है वो रोटर पर इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफ़र होता है। मतलब आप रोटर को स्टेटर को सप्लाई देंगे, स्टेटर में फ्लक्स बनेगा, वो इंडक्शन प्रोसेस से कहाँ चला जाएगा, रोटर पे चला जाएगा। ठीक है, जब वो रोटर पे रोटर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है स्टेटर के साथ। ओके, नाउ इंडक्शन मोटर एक ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट होता है, जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेटिंग होती है। अपने आप सिंगल आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। वहाँ दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से अलग होती है और स्टेशनरी होती है। इंडक्शन मोटर में भी रोटर होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा, सॉरी रोटर होगा सेकेंडरी वाइंडिंग, स्टेटर होगा प्राइमरी वाइंडिंग। तो डिफरेंस क्या है इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर में, कि इंडक्शन मोटर की सेकेंडरी वाइंडिंग वो रोटेटिंग नेचर की होती है, वो रोटेट करती है, और इंडक्शन मोटर में वो स्टेशनरी सॉरी ट्रांसफार्मर में स्टेशनरी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो स्टेटर जो होता है हमारा, वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है, और रोटर जो होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। दिस इज रोटेटिंग। नंबर फोर, बैलेंस पॉलीफेज करंट थ्री फेज वाइंडिंग में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कितना कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, 1.5 टाइम्स ऑफ φm RMF प्रोड्यूस करती है। आप स्टेटर को जब सप्लाई देते हैं तो उस पॉलीफेज वाइंडिंग में एक थ्री फेज करंट फ्लो होती है। ठीक है, वो करंट क्या करती है, एक MMF प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटर MMF बोलते हैं। ओके, जिसका मैग्नीट्यूड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है कितना मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1.5 टाइम्स ऑफ φm। ओके, स्टेटर MMF रोटर पर ट्रांसफ़र होता है, जो स्टेटर MMF होता है वो रोटर पर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे रोटर में एक रोटर MMF प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रोटर MMF और स्टेटर MMF के रिएक्शन के कारण रोटर में स्टेडी टॉर्क एवरी स्पीड पर, किसको, सिंक्रोनस स्पीड को छोड़कर प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इस रोटर का MMF, रोटर MMF जो होता है स्टेटर MMF के साथ रिएक्शन करके रोटर में एक स्टेडी टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं होता, बाकी सभी स्पीड पर प्रोड्यूस होता है। ओके, स्टेटर MMF और रोटर MMF एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मतलब दोनों एक ही स्पीड से रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटर एंड रोटर MMF वेव कंबाइंड होकर एक रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी वेव प्रोड्यूस करती है, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कितना, सेम वही जो यहाँ था वही यहाँ पे है, 1.5 टाइम्स ऑफ φm पर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर होती है। ओके, और इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपल होती है, ना कोई इसमें कम्यूटेटर होता है, ओके, ना स्लिप रिंग्स होती है। वो डिपेंड करता है हमारा रोटर कंस्ट्रक्शन पे। आप हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्लिप रिंग मोटर्स, वहाँ स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर टू, लो कॉस्ट। यहाँ पे ये लो कॉस्ट मोटर होती है, डीसी मोटर के कंपैरिजन में इसकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। रफ़, रॉबस्ट और वेल डिज़ाइन, ठीक है, आप इसको रफली यूज़ कर सकते हैं, रॉबस्ट होता है, वेल डिज़ाइन होता है। स्पीड रेगुलेशन
अच्छा होता है, इसका बेस्ट होता है, लगभग स्पीड कांस्टेंट स्पीड से ही रन करती है, तो इसलिए इसका स्पीड रेगुलेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, वो बैटरी पावर फैक्टर रहता है, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो क्या करती है, वो 0.8 to 0.9 पावर फैक्टर पर ऑपरेट होती है। ओके, कोई कम्यूटेटर नहीं होता है, कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना ही। और एक क्या होता है, इसकी बेस्ट है, इसकी शंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे शंट मोटर में कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि आप इंडक्शन मोटर को बोल सकते हैं कि ये सिमिलर होती है किसके कैरेक्टरिस्टिक में, शंट मोटर के लिए, डीसी शंट मोटर के लिए। ओके,